हेलो एवरीवन, मैं निशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पीएचडी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, पीएचडी एग्जाम जो भी पीछे प्रीवियस हुए जो पेपर उनको देख करके ही हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची समूह कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सखा, सहचर, मीत, मित्र, दोस्त, संगी। जननी, माई, धात्री, अम्बा, माँ, माता। नेक्स्ट है विष्णुप्रिया, रमा, कमला, श्री, पद्मा या लक्ष्मी। नेक्स्ट है श्रुता, बेटी, पुत्री, आत्मजा, अशंजा या लड़की। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जननी। यानी ऑप्शन नंबर बी, जननी, माई, धात्री, अम्बा, माँ और माता। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सखा, सहचर, मीत, मित्र, दोस्त और संगी, ये आपको पता है कि दोस्त मित्र के पर्यायवाची है। सी ऑप्शन है विष्णुप्रिया, रमा, कमला, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है। और डी ऑप्शन जो है सुता, बेटी, ये पुत्री यानी बेटी के पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी कि जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय या अद्वितीय। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशस्वी शब्द में निम्न में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा? कौन सा स्त्रीवाची शब्द यानी कौन सा प्रत्यय उसमें लगेगा? हमारी ऑप्शंस है इन प्रत्यय लगेगा या आइन, इनी या इका। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनी, यानी यशस्वी जमा इनी, यशस्विनी। ठीक है, अब जो स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यदि जो स्त्री स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिस तरह से सेठ शब्द में आनी प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है? सेठानी शब्द बनता है। जेठ में जेठानी और रुद्र में आनी लगने से रुद्रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारे पास ऑप्शन है अभी, अभ्य, अभ्या या अ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभी। पहली बात है कि उपसर्ग होते क्या है, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं। ठीक है, जो शब्द के शुरू में लगते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह से हमारे पास शब्द है सत्य, सत्य शब्द है, जब हम इसके शुरू में अ लगा देंगे तो नया शब्द बन जाता है हमारे पास असत्य। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो उपसर्ग होते हैं ये एक शब्दांश होते हैं और शब्द के शुरू में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसके या उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हमारे पास वाक्य दिया है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें हमें कारक बताना है कि कौन सा कारक है। हमारे ऑप्शंस है अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण कारक वो कारक होता है जिसमें आधार यानी स्थिति का आधार का पता लगता है कि कौन सा काम कहाँ पर हुआ है। और संबंध कारक क्या होता है? दो पदों के बीच में संबंध बताया जाता है। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में और पर। ठीक है, में, पर। और जो संबंध की है वो क्या है? आपको पता है का, के और की। अपादान जो कारक है ये अलगाव को प्रदर्शित करता है, जुदाई। ठीक है, तो इसका जो विभक्ति है वो है से, जुदाई या फिर अलगाव। और संबोधन हे, अरे, वो आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी जो बुढ़ापा है इसमें कौन सी संज्ञा है पूछी गई है। हमारी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो क्या प्रदर्शित करती है? गुण, दशा, अवस्था, ठीक है, आदि को। वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। यानी भाव वो चीज होती है जो सिर्फ महसूस किया जाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। जिस तरह से हमारे पास है गंगा, गंगा एक विशेष चीज है, ठीक है, विशेष नदी है, इसलिए ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहां पर हमारे पास
दिया होता नदी, तो नदी क्या है, नदी में सारी नदियां आती है, जो भी कोई भी नदी। अब जो सभी नदियों का बोध कराएगा, यानी नदी जाति का जितनी भी जिसमें सारी नदियां आएगी, वो आएगी हमारे पास जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो सिर्फ व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। और भाववाचक संज्ञा में क्या आते हैं, भाव आते हैं, जिस तरह से यौवन हो गया, लालिमा हो गई, बुढ़ापा हो गया, बचपन, तो ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, यानी बूंद बूंद क्या है। हमारे पास ऑप्शंस है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। हमारे पास राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण वो विशेषण होता है जो क्या करता है, क्रिया की विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है। एक होता है स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक। दूसरा होता है कालवाचक। तीसरा होता है परिमाणवाचक। और चौथा होता है रीतिवाचक। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। अब टपकना क्या है, टपकना एक क्रिया है, और किस तरह से टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, यानी क्रिया की विशेषता क्या है कि वो बूंद बूंद टपक रहा है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कौन पुकार रहा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। ऑप्शंस है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। मुझे कौन पुकार रहा है, रेखांकित आप देख लीजिए कि यहां पर कौन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है सर्वनाम कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। कौन क्या किस में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। संबंधवाचक आपको पता है कि संबंधवाचक में जो सो आता है, और अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कोई कुछ, कोई और कुछ, और पुरुषवाचक में मैं तुम आप आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती है तो सब झूम उठते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है भारत की लता मंगेशकर श्रेष्ठ गायिका, या भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर। अगर बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है, यानी जिसकी बात होती है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जो बात होती है, जो उसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो क्या होता है, वो विधेय होता है। ये वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह कितना घुप अंधेरा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। हमारे पास ऑप्शन है संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है, विस्मयादिवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब बात करें वाक्य की, तो अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार का होता है, ठीक है, आठ प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक को देखो यह कितना उपयोगी है, रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है, यानी यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ए और वे, ये आते हैं। अगर बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में आपको पता है जो सो, जो आएगा सो जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक में यह, वह, ए, वे, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार है। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है, और आप जो प्रयोग होता है वो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न समस्त पद किस समास का उदाहरण है। भारत रत्न जो समस्त पद है हमारे पास, वो किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, कार्य की विभक्तियों के आधार पर छह प्रकार का होता है, ठीक है। और यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का एक भेद है भारत का रतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, रेखांकित पद विशेषण का भेद है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर सर्वनामिक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक, ठीक है। कोई, कुछ, थोड़ा, ठीक है, ये सारे परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखमली जूते मारना का अर्थ है, यानी यहाँ एक मुहावरा है, उसका क्या अर्थ है। मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या फिर अपमानित करना, यानी मखमली जूते मारना।
करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री गणेश, जैसे कहा जाता है कि श्री गणेश किया गया या श्री गणेश करना, ठीक है। तो श्री गणेश का जो उल्टा होगा उसका विलोम क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन दी है श्री राधा, विनाश, इतिश्री और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इतिश्री, श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल या समुद्र में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी जो समुद्र में लगने वाली आग है उसके लिए क्या कहा जाता है, उसे हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दावानल, बी जठरानल, जलप्रपात या फिर बड़वानल। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी बड़वानल। समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है और जंगल की आग को दावानल और पेट की आग को जठरानल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, ऑप्शन है बिल्ला, बिलाव, बिल्लोटा या उद्विलाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार है, हमारे पास ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, शलेश अलंकार, यमक अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म यानी जोड़ा। यमक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें कोई एक शब्द जोड़े में आता है या दो बार आता है और उस दोनों बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। यहां पर क्या है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर, यहां पर जो वैर वैर शब्द है वो दो बार आया हुआ है और दोनों ही बार इसका अर्थ क्या है, अलग है। तो यहां पर हमारे पास अलंकार हो जाएगा यमक। अगर बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है या कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जिस तरह से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, या फितरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि क्या, जहां पर शब्द एक बार प्रयोग होता है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द में अनेक अर्थों का होना श्लेष अलंकार होता है। और अनुक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहां पर किसी के सहारे किसी को कोई बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, हमारे पास ऑप्शन है कोई, कौन, जो या वह। तो हम राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो, ठीक है, जो सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, हमारे पास ऑप्शन है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अपादान कारक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को के लिए यानी किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और अगर बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक में जो कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म को, कर्म की जो विभक्ति होती है वो है को। संप्रदान में को के लिए, संबंध में का के की और अपादान में यानी अलगाव, जुदाई का बोध होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।